ओके आने पे अगर ये रॉन्ग पासवर्ड आ गया, इट मीन्स आपका फोन अनलॉक हो जाएगा। बीच वाले बटन पे क्लिक करेंगे और देखिए लाइव आपके सामने हमारा फोन अनलॉक हो चुका है और कोई भी पिन पासवर्ड पैटर्न डालने की जरूरत नहीं पड़ी है। अगर आपके ओप्पो के स्मार्टफोन में पिन लॉक, पैटर्न लॉक, पासवर्ड लॉक, फिंगरप्रिंट लॉक, फेस लॉक, किसी भी तरीके का लॉक लग जाता है और आप परेशान हो चुके हैं, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ को भी आप देख लिए हैं, लेकिन आपको सही सोल्यूशन अगर नहीं मिल रहा है तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आएँ। हमारा चैनल माइंड डिस्क नाम है, 6.5 लाख सब्सक्राइबर हम लोगों ने ऑलरेडी अब कंप्लीट करने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप ये सीखेंगे कि कैसे आप किसी भी ओप्पो के स्मार्टफोन को अनलॉक कर पाएंगे, वो भी विदाउट डेटा लॉस। कोई भी डेटा यहाँ पे लॉस नहीं होने वाला है। अगर आपके साथ भी कुछ इस तरीके का मैसेज आ रहा है, पासवर्ड रिक्वायर्ड विन फोन रिस्टार्ट, फोन लॉक हो जाता है और फोन को आप ऑफ कर देते हैं या फिर रीस्टार्ट कर देते हैं, तब इस तरीके का मैसेज आता है और ऐसे सिचुएशन में आपका पिन, पासवर्ड, पैटर्न, फिंगरप्रिंट कुछ भी काम नहीं करता है। तो इसको अनलॉक कैसे करेंगे, वही हम आपको इस वीडियो में सिखाने वाले। तो वीडियो को मिस मत कीजिएगा। यहां देखिए लिख रहा है पासवर्ड रिक्वायर्ड विन फोन रिस्टार्ट, लेकिन इस फोन में तो पैटर्न है, पासवर्ड तो नहीं है। तो आपके फोन में पिन हो, पासवर्ड हो, पैटर्न हो, किसी भी तरीके का लॉक हो, यही मैसेज आएगा इनकरेक्ट और पासवर्ड का। अब देखिए आपके फोन में कहीं पे भी आपको इमरजेंसी कॉल या फिर इमरजेंसी SOS वाला ऑप्शन ढूंढना है। जैसे यहाँ पे हमारे फ़ोन में इमरजेंसी SOS यहाँ पे है, तो इमरजेंसी कॉल या फिर इमरजेंसी SOS अगर आपको कहीं भी दिखे उस पर आपको क्लिक कर देना है। और डायलर पैड आ जाए तो ठीक है, नहीं तो इस तरीके का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे इस तरीके का डायलर पैड का ऑप्शन खुल जाएगा जहाँ से आप कॉल कर सकते हैं। सिंपल भाषा में मैं आपको सिखा रहा हूँ, बहुत ही ईजी तरीके से आपको सिखाऊंगा कि फ़ोन को अनलॉक कैसे करते हैं। अब यहाँ पे आपको डायल करना है *#99 और हैज, क्या डायल करना है, *#899 और हैज, इस तरीके से डायल करना है। जब आप इसको डायल करेंगे तो आपके सामने एक पेज ओपन हो जाएगा जिसको इंजीनियर मोड भी कहते हैं या फिर बहुत सारे फ़ोन में आफ्टर सेल पेज भी इसको कहा जाता है। तो जैसे ही ये पेज आए आपको यहाँ पे इस तरीके से स्टक हो जाना है, रुक जाना है और इस पेज को बहुत ही अच्छी तरीके से रीड करना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन ढूंढना है, उस ऑप्शन का नाम है मैनुअल टेस्ट। ध्यान से मैनुअल टेस्ट वाले ऑप्शन पे आपको इस तरीके से क्लिक करना है। मैनुअल टेस्ट को अगर आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का पेज ओपन होगा। सबसे लास्ट में आपको पहले जाना है, देखिए सबसे लास्ट में अदर्स का पेज है, इसी ऑप्शन में आपको दिखाई देगा रीड राइट, इसी ऑप्शन में रीड राइट दिखाई देगा। तो रीड राइट वाले ऑप्शन में यहाँ पे है, तो रीड राइट वाले पे आपको इस तरीके से क्लिक करना है। ओके पे क्लिक मत कीजिएगा, पहली बार आप इसको कैंसिल कर दीजिएगा और सेकेंड टाइम जब आप इसको क्लिक करेंगे तो ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे कुछ पासवर्ड का ऑप्शन आना चाहिए, वो आपके फ़ोन में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए क्या करेंगे, रीडिंग रीसेट यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही ये रीडिंग रीसेट कंप्लीट होगा और ये देखिए पास होना चाहिए, ये जो रीडिंग रीसेट है ये पास होना चाहिए और ये जैसे ही पास हो बैक चल जाइएगा और तब जाके रीड राइट पे क्लिक कीजिएगा, तो फर्स्ट टाइम कैंसिल और सेकेंड टाइम क्लिक करने पर ओके। ओके आने पे अगर ये रॉन्ग पासवर्ड आ गया, इट मीन्स आपका फ़ोन अनलॉक हो जाएगा। बीच वाले बटन पे क्लिक करेंगे और देखिए लाइव आपके सामने हमारा फ़ोन अनलॉक हो चुका है और कोई भी पिन, पासवर्ड, पैटर्न डालने की जरूरत नहीं पड़ी है। सारा डेटा वैसे का वैसा है, जो भी आप फोटोग्राफ वीडियो डाले हैं गैलरी में वो सब ऑटोमेटिक सेव रहेगा। हम तसल्ली के लिए यहाँ पर आपको दिखा देते हैं कि हमारे गैलरी में कुछ है या नहीं है, इससे आपको पता चल जाए कि हाँ हमारा कोई भी डेटा जो है डिलीट नहीं हुआ है। तो गैलरी पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारे जो भी फोटोग्राफ्स वगैरह थे सब वैसे का वैसे पड़ा हुआ है। तो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है और ओप्पो का कोई भी मॉडल इससे अनलॉक हो जाएगा, ट्राई ज़रूर करें और दिक्कत हो तो हमें ज़रूर कमेंट करें।